नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं ऋषि मीमांसा समाचार और मैं हूं अमन सिंह बत्स आपके साथ। हम पहुंच चुके हैं अमेठी जिले के नौगिरवा गांव में। यहां के प्रधान हमारे साथ हैं, यहां की जनता हमारे साथ है। क्या हुआ है नौगिरवा में ये आपको बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधान जी, 5 साल से आप नौगिरवा के प्रधान हैं, क्या क्या किया आपने नौगिरवा गाँव में? इंटरलॉकिंग हुई है, RCC रोड बना है, आवास दिए हैं 40-42 आवास, तालाब की खुदाई हुई है, कच्चा संपर्क मार्ग बना है। आपने बता रहे हैं कि आप बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन 4 साल आपके कार्यकाल के बीत चुके हैं, अभी तक आपके गांव में जल निकासी की व्यवस्था नहीं है? नहीं, जहां हुई है वहां हुई है, नाली भी बनी है मजे की। अब भाई ये 50 साल में ये तो नहीं है कि सब पूरा हर काम हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मकान अभी कच्चे हैं, आवास की व्यवस्था बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं हो पाई है, ऐसा क्यों? तो हमारे यहाँ जितने थी लिस्ट में उतना ख़त्म हो चुका है, नई लिस्ट जो बन रही है उसमें सारे गांव का नाम है। दादी, क्या समस्या लगती है आपको आपके गाँव में? भैया, कोनो समस्या है? समस्या बहुत ही है। तो बतावें। हमका दिया, मैं को तो हम करेरे बोली जाए मोदी के लगा। बोले, एक तो नंबर एक यह है कि गोरु छोड़ा दे, यहाँ किसान मारा जाता है चारों ओर से। प्रधान से आपको कौन सी समस्या है, प्रधान का बताना है इसमें? प्रधान का तो हमारा कोनो समस्या नहीं भैया। प्रधान मतलब जितना प्रधान से आपका काम था वो पूरा किए हैं? पूरा होगा। कोई समस्या है आपको? जी नहीं। आपके गाँव में और कौन सा काम कराया जाना चाहिए? हमारे गाँव में बच्चे को जो खेल कूद का है, जो यही थोड़ा बनवा दें मार्ग, पार्क। बच्चे जो नहीं। आपको क्या समस्या लगती है आपके गांव में? कोई समस्या नहीं। मकान कच्चे तो नहीं है? नहीं, हमारा तो नहीं है कच्चा। हमारा राशन मिलता है आपको? जी। क्या समस्या है आपको? कुछ नहीं सर। कोई समस्या नहीं है आपको? कोई समस्या है? नहीं, कोई समस्या ठीक है सर। कोई समस्या आपको लगती है आपके गाँव में? नहीं भाई, हमको तो कोई समस्या नहीं रही। हमारे प्रधान जी अच्छे काम कर रहे हैं, हर चीज़ का, जिसका कच्चा घर है उसको भी कॉलोनी दे रहे हैं, जिसका नहीं है उसको अपनी बार में देंगे। काम अच्छा कर रहे हैं, हमें कोई समस्या नहीं है भाई। क्या क्या विकास हुए हैं आपके गांव में? हमारे गांव में सब नाली बन गई, खड़ंजे बिछ गए और तालाब भी खुद गए। हाँ, आपको नहीं लगता है कि आपके गाँव में जल निकासी की व्यवस्था हो जाए? जगह जगह जल भराव दिखते हैं गाँव में। हाँ, कर रहे हैं प्रधान, इसको भी जल भराव के लिए तालाब खुदा रहे हैं, हर काम तो चल रहा है धीरे धीरे। हमारे प्रधान की तरफ से कोई कमी नहीं है। क्या समस्या लगती है आपके? हमको तो भाई कॉलोनी नहीं मिली है। कॉलोनी नहीं मिली? प्रधान जी, इनको कॉलोनी नहीं मिली है? हाँ, लिस्ट में नाम है भैया, मैं आपसे बता दिया पहले ना। लिस्ट में नाम है, आपको लगता है कि आपका नाम है? लिस्ट में होगा, लेकिन पिछली लिस्ट में नाम नहीं था। वो बता रहे हैं कि आपका नाम लिस्ट में है, तो आप उनकी बातों से संतुष्ट हैं? हाँ, उनकी बातें हम सुनते। कुछ लगता है आपको कि आपके गाँव में ये विकास होना चाहिए? भैया देखो, सरकार जो है पता नहीं क्या कर रही है, हमें आवास की बहुत सख्त ज़रूरत है। कच्चे मकान गिर रहे हैं, लेकिन अभी तक आवास मिला नहीं है। प्रधान जी से आपने कभी कहा था इस बारे में? हाँ, प्रधान जी से बोला है, प्रधान जी बोले हैं कि भर दिया हूँ, आएगा, अब देखो कब तक आता है। प्रधान जी, इनका भी आवास नहीं बना है? हाँ, नहीं बना है। नहीं बना है, कब तक बनेगा? जब आएगा गवर्नमेंट देगा तब बन जाएगा। आपको क्या लगता है कि जो काम 4 सालों में नहीं हो पाया वो 1 साल में हो जाएगा, 4 महीनों में? भैया पता नहीं, इससे पहले भी भरा गया था, नहीं आ पाया, अब फिर भरा जा रहा है, फिर देखो। प्रधान जी बता रहे हैं कि पहले भी भरा गया था, नहीं आ पाया। नहीं, सूची में नहीं था। सूची में नहीं जो था, जो सूची थी उसमें इनका नाम नहीं तो था। जो काम बीते 4 सालों में नहीं हो पाया है वो 4 महीनों में हो जाएगा? अब जब आएगा तभी होगा भैया। चलिए, क्या समस्या लगती है आपको आपके गाँव में? हमारे गाँव में कुछ समस्या नहीं है भैया, सब ठीक है। जल निकासी की समस्या आपके गाँव में नहीं है? नहीं है, उधर नाला खुदवाना है भाई, प्रधान जी खुदवाए नाला। कोई समस्या लगती है आपको? नहीं, नहीं, कोई समस्या। दादी, कोई समस्या है? कोई समस्या है? नहीं भैया। आवाज कच्चे तो नहीं है? नहीं, हमारा बन गया। कोई समस्या नहीं है दादी? नहीं भैया। किसी को कोई समस्या नहीं है भैया? हमारे पास एक को भी सब हुई नहीं है। राशन मिलता है कोटेदार? हाँ, राशन मिला था, लेकिन एक को भी सब हुई नहीं है। हम क्या खाए, क्या कमाए, खेत एक नहीं है। खेत इनके पास नहीं है। एक योजना होती है कि जिसके पास ज़मीनें नहीं होती हैं
प्रधान की तरफ से उन्हें पट्टा किया जाता है, सरकारी जमीनों को दिया जाता है, तो इनको अभी तक ये सुविधाएं क्यों नहीं मिल पाई? ये सुविधाएं सरकार अभी इसका कोई नियमावली नहीं निकाला है, पट्टा दिए हैं आप लोग कहाँ से दें? हम लोग करना चाहते नहीं है कोई अधिकारी, नहीं नियमावली नहीं आई है अभी, कोई नियमावली नहीं आई है आपके अनुसार बता रहे हैं, कोई नियमावली नहीं, तो इनको आपकी तरफ से क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं? क्या सुविधाएं दी हैं आपको आपके प्रधान? कॉलोनी बता पाए हैं? कॉलोनी मिली है आपको? कॉलोनी है, है। अच्छा, ये 70,000 के नियम था। हाँ, बरसात के दिनों में पानी टपकता है, टपकता नहीं, सब भरा रहा था पानी, चलो चल के आप देख रहे हैं कि जो आवास आपने बनवाया था उससे पानी टपकता है। मैं तो भेज दिए खाता में भैया, बनवाना तो नहीं को है। कितना रुपया? 70,000। 70,000? 70,000 आया था। तो आवास आप खुद से बनवाई हैं? हाँ। तो भी पानी टपकता है? हाँ। तो कैसे बनवाई कि पानी टपक रहा है? अरे वो हमारा पैसा कम रहा है ना। हाँ, हाँ। गरीब मने कहाँ से लाई, पैसा कम था तो आवास आप खुद बनवाई है ना, जितना पैसा आया था उसका आप आवास बनाई। हाँ। और कोई समस्या किसी को लगती है दादी? कोई समस्या लगती है दादी? हाँ। आवास मकान कच्चे तो नहीं है आपके भैया? कच्चा है, गिरा है हमारा मकान, अभी मिली नहीं हमको। लेकिन अभी तो आपने नहीं बोला कि आपके मकान कच्चे। अरे हम नहीं बोले, नहीं मिला है, लेकिन भरे हैं प्रधान कह रहे हैं भरे हैं। प्रधान जी, इनका भी मकान कच्चा है? माइक में बोलिए। लिस्ट में नाम है भैया? हाँ, लिस्ट में नाम है बता रहे हैं, संतुष्ट रहे हैं, प्रधान भरे हैं। राशन मिलता है आपको? हाँ, राशन मिलता है। और कोई समस्या आपके गांव में लगती नहीं है? और कोई समस्या नहीं। दादी, कोई समस्या लगती है गांव में? समस्या सब ये है कि हमारा न कार्ड है, न हमका राशन मिले, न कॉलोनी मिली है। लॉकडाउन में कैसे गुजारा हो रहा था? कुछ नहीं, हमका सबका कुछ। इनका राशन कार्ड नहीं है? हाँ, राशन कार्ड लिए इनका आय प्रमाण पत्र बन गया, देना है, लेकिन सप्लाई इंस्पेक्टर करना नहीं चाहते हैं वहाँ। तो कैसे इनकी समस्या का समाधान होगा? अब ले जाएंगे फिर अपनी दोबारा। हाँ, कितने सालों से आपके पास राशन कार्ड नहीं? 3 साल। लॉकडाउन में इनकी समस्या का कैसे समाधान हुआ था? तो कहाँ हुआ, वहाँ सप्लाई इंस्पेक्टर को दिया, वो बनाए ही नहीं। तो आपकी तरफ से कुछ सुविधाएं दी गई थी इनको कि वैसे ही छोड़ दिया गया था? 1,000 रुपये आपको दिया गया था? 1,000। चलिए, तमाम समस्याएं हैं। और नहीं, कोई समस्या लगती है आपको? मम्मी पापा हम दिल्ली में फंसा रहे हैं। हाँ। तो यहाँ हमको राशन नहीं दे, पूरा मतलब हर महीने एक को महीने का राशन नहीं मिला। तो आप कैसे रहती थी? अब जैसे गुजारा कर रहे, इनको राशन नहीं मिलता है, इनके बता रहे हैं। तो राशन की हम जिम्मेदारी थोड़ी लेते हैं भैया, प्रधान है, लेकिन अब प्रधान सुनो, राशन कार्ड इनकी मम्मी थी नहीं, वो कोटेदार नहीं दे रहा था, मैं क्या करूँ उसमें, मेरा क्या दोष है भैया? आधार कार्ड सबका लिंक रहता है राशन कार्ड में, परिवार का कोई भी सदस्य जाता है तो राशन दिया जाता है, ये नियम है। अंगूठा आपका नहीं लगता है? नहीं, तब हमारा नहीं लग रहा था, तो बोले कि अंगूठा नहीं, किसी का नहीं लग रहा, अब लगवा बनवा लिए आधार कार्ड तब भी नहीं देते। मान लीजिए अगर बनवा लिए थे तब भी नहीं दे रहे, 3 महीने बनवाए हुए हो गए तब भी नहीं देते। इसके लिए आपने कभी प्रधान से कहा था? बताया, उनसे भी बताया है, सबसे बताया हमने। समस्या का समाधान कब होगा और कैसे होगा? आपके गांव में जनता है, भूखी रहती है, नहीं मिल रहा है बता रही हैं, नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन लगा था फ्री वाला, तब वो भी नहीं दे रहे थे ना, पैसा वाला कोई नहीं दे रहा, अभी नहीं मिल रहा है। नहीं, अब मिल रहा है, अब बनवाए हमने, अपना बनवा लिए तब मिलने लगा। हाँ, मिल। और कोई समस्या है? अब कोई समस्या क्या है, कॉलोनी कुछ नहीं मिलती, कुछ भी नहीं देते हैं। कॉलोनी मकान कच्चा है तो पक्का, हम लोग क्या माँ बाप बनवा लिए, क्या हम लोग को अधिकार नहीं मिलने का? आप बिटिया हैं, आप दूसरे के घर जाने वाली हैं। देखिए, आवास जो होते हैं वो सीमित संख्या में आते हैं, वो उनके लिए होते हैं जो इस समस्या में हैं, जिनके मकान कच्चे हैं वो उनके लिए होते हैं, अगर आपके आवास पक्के हैं तो वो आपके लिए नहीं हैं। और कोई समस्या है आपको? कोई समस्या है भैया? हमका खेल के ग्राउंड चाहिए बस, और कुछ ना। खेल की ग्राउंड की प्रबंध प्रधान करते हैं? अब पता नहीं भाई, लेकिन हमें खेलने के लिए जगह चाहिए। खेलने के लिए इनको ग्राम सभा से जगह की उम्मीद करते हैं? जगह है हमारे पास, 3 नंबर है, लेकिन 3 नंबर दाहवाल लोग कब्जा किए हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं, उसमें क्या करें? एप्लीकेशन भी दिया गया एक बार। दवा से कैसे छुटकारा मिलेगा?
अब जब सरकार चाहे तो अब ऐसा ही तो कोई सुनवाई नहीं बा क्यों के हाँ कब्जा है सब अरे जब सरकार करे माने SDM करे DM करे ये सब करे हाँ शिकायत किए हैं हम हाँ उनकी तरफ से आपको मिला कुछ नहीं मिला तो कुछ कहा होगा ना कुछ नहीं एप्लीकेशन दिए कुछ बस सुनाई नहीं हुई ये तो आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं आपके SDM ने कहा कि कुछ नहीं मैंने एप्लीकेशन दिया यहाँ कि मेरा जो है वो एक बार आए नापे भी इसको कह रहे हैं कि आधा अस्पताल में है आधा ये इधर पड़ा हुआ है तो आपका आरोप है कि ग्राम सभा की जमीन पर दबंगों का कब्जा है शिकायत हम की बता रहे हैं 3 घर का रास्ता पूरा बंद है हमारे यहाँ और एक बार नहीं 10वीं बार शिकायत पड़ी है इतनी एप्लीकेशन है बताओ उसमें क्या कार्रवाई हुई कौन नहीं सुनता है शिकायत आए SDM के पास गया DM के पास गया और मैंने यहाँ तहसील में मैंने कानून को लेखपाल को दिए नहीं सुने क्या करें तो ये थी हमारे साथ भेटुआ ब्लॉक के नौगिरवा गांव की जनता तमाम सारे समस्या से गांव वालों के प्रधान ने अपना पक्ष रखा जनता ने अपना पक्ष रखा तो हम भी लेते हैं यहाँ से विदा आप इंतजार कीजिए अगली पंचायत का धन्यवाद खबरों की दुनिया में सच का साथी तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए ऋषि मीमांसा समाचार को।